पहुंच चुके हैं श्री राम मंदिर। ये है मंदिर का मार्ग। जूत चप्पल लगने के लिए देख सकते हैं, अंदर से हम प्रसाद में लाया देख सकते हो पैकेट। जय श्री राम। गाइस ये भंडारा चल रहा था, मैं वहां से तो गया था स्कैम। गाइस पहुंच चुके हैं श्री राम मंदिर। और भीड़ तो है, अब देखते हैं कहां तक मोबाइल जाता है, कहां तक कैमरा जाता है। बैग रखना पड़ेगा वहाँ पे, वहीं पे हमें बैग में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुआ जाने दे तो मुआ से थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन मुआ जाने नहीं देंगे वो, रिकॉर्ड करने देंगे कुछ भी अंदर। देखते हैं कहाँ से जा सकता है। ये है मंदिर का मार्ग, चार तो कैमरे कैमरे लगे हुए हैं। मंदिर चल रहे हैं मंदिर के अंदर हम। अब थोड़ा आराम मिला है धूप से। आदेश शर्मा गणेश वर्मा का महाराष्ट्र से है, आपके परिजन हम रावण की जानकारी। शिव वर्मा मनोज वर्मा, मैं चेक पॉइंट पे मैच कर रही हूँ। तो गाइस ये काउंटर लगे हुए इधर, यहाँ पे मोबाइल जमा करना है हमको, तो अंदर मोबाइल जमा करते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको मोबाइल कैमरा वगैरह कुछ भी अंदर नहीं आएगा, बैग भी जमा होगा अंदर की साइड में, और कुछ टाइप बना हुआ दिखाता हूँ आपको, कुछ टाइप बना हुआ दे सकते हो आप यहाँ पर। और मंदिर से आधे में ही मिलेगा आपको लेफ्ट साइड में, तो इसमें आना है अगर आप मोबाइल जमा करा सकते हो। तो चलिए चलते हैं, मोबाइल जमा करते हैं अंदर, मोबाइल जमा सकते हैं यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी लाइन में आ सकते हो आप, कहीं जमा करा सकते हो। तो गाइस ये आए लॉकर देख सकते हो सामने ही, और काफ़ी यहाँ भीड़ है लॉकर के लिए, देते पैसे लगेंगे फ्री में जैसे भी वो बताएंगे आपको, जूते चप्पल फोन वगैरह कुछ नहीं उतारना है। तो गाइस ये लॉकर है जूते चप्पल लगने के लिए, देख सकते हो आप काफ़ी लोग लगे हुए यहाँ पर, रखते हैं जूते चप्पल अपने। ये पर्ची मिली हमें और फ्री में, हाँ फ्री है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर चार्जेस वगैरह, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मंदिर तरफ से ही है वो, देख सकते हो सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, हमको आगे जाना है उधर जेंट्स का हुआ, तो यहाँ पर लेडीज का ओनली बस। One hour later. तो गाइस अभी दर्शन हो चुके हैं हमारे, सब कुछ कम्प्लीट हो गया, सामान ले लिया हमने अपना, और यहाँ भीड़ तो है लेकिन मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है। 8:30 भी लग गए हमको, 2:30 बजे टाइम, 2:30 बजे हैं आगे। तो गाइस हम अंदर गए, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, अंदर से हम प्रसाद में लाया देख सकते हो आप पैकेट में, और काफी अच्छी बात है क्योंकि हमें कोई प्रसाद नहीं लिया अंदर, और प्रसाद नहीं लिया अंदर से, और भीड़ में प्रसाद चढ़ाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता सही से, यहाँ पर सही बिल्कुल कोई दिक्कत। गाइस भाई मिले हमको हरदोई से, क्या अरे और जो किला है ना से किला बिना नगर एक हफ्ता वहाँ से कुछ भूख लग रही थी, खाया भी नहीं खाना, इसके बाद खाना खाएंगे, यहाँ से गाड़ी ले उठाएंगे पहले हम, थोड़ा बाहर निकलेंगे यहाँ से अयोध्या से, फिर खाना खाने के देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे भीड़ आना है, यहाँ से गाड़ी निकाल निकल सकते हैं यहाँ से। तो आइए हमें ढाबे में मिल जाएंगे, ढाबे पे खाएंगे हम आराम से रुक के, थोड़ा गाड़ी रेस्ट मिलेगा उस टाइम पर। तो गाइस भाई मिले कुछ, कहाँ से भाई आप? बिहार से। बिहार से हैं भाई, और मैं मंदिर में दर्शन करके आए अभी, तो मजा आया भैया, बहुत मजा आया। तो गाइस देख सकते हो आप, और अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हुई कुछ? झारखंड से बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है भैया, बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था है, और प्रशासनिक व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो गाइस मिल रहे हैं, हमने ये ले लिया वाला देख सकते हो आप, और 40 रुपए का कुछ आमदनी नहीं है, और काफी सारे अलग अलग यहाँ पे देख सकते हो आप, सब मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। तो चलिए अब चलते हैं सीधे अपनी पार्किंग में, गाड़ी देखने चलते हैं, वहाँ गाड़ी देखी है, यहाँ कपड़े चेंज करने हमको, और देखते हैं यहाँ खाते हैं या फिर बाहर खाते हैं, ऐसा भी होता है, यहाँ से चलते हैं लेकिन फिलहाल। तो गाइस ये रामफल देख सकते हो आप, 20 प्लेट, चेक करते हैं कैसी क्या है, ले लो भैया। तो गाइस ट्राई करते हैं खट्टा मीठा रामफल, देखते हैं जानी खट्टा मीठा मजा आ गया। तो गाइस ये भंडारा चल रहा था, साथ में नहीं है इसको वहाँ पर साथ अनुदान सेवा, और हमने काफ़ी बार खा लिया है, लेकिन जो खाते हैं फिर रस्सी निकलेंगे यहाँ से, हमने डिसाइड किया है कि रास्ते में ही खाएंगे कुछ, तो पहले यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस चलिए अब चलते हैं, हमने कपड़े चेंज कर लिए यहाँ से, देख सकते हो आप पूरी पैकिंग कर ली दोबारा से हमने, और यहाँ से बॉर्डर है कम से कम 185 समथिंग किलोमीटर, तो देखते हैं आज एंट्री होती है तो आज चले आते हैं, और हम फिर देखी जाएगी कल एंट्री करेंगे,
पहले पहुँचते थे वहाँ पे, कितना टाइम लगता है वहाँ पे, क्योंकि हमें हमने नाश्ता कर लिया है नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं खाने के लिए, तो रात खाना रात में खाएंगे अब, क्योंकि पेट फुला है हमारा। निकलते हैं यहाँ से अब, वो पर्ची देंगे पहले हमको, और अभी टाइम हो रहा है देख सकते हो आप, जैसे कि निकल देता हूँ आपको, 4:24 हो रहे हैं अभी, दिख रहे हैं तो 4:30 बजे निकल रहे हैं, देखते हैं 150 किलोमीटर कितनी देर में कम्प्लीट होते हैं हमारे, और पेट्रोल डालने रास्ते में हमको, देखते हैं रास्ते में डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं यहाँ पर। यहाँ से हमको आयु जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर से हमें आयु मिलेगा, सकते हो कुछ इस तरीके लास्ट सीन, इतना तो उन्हें ध्यान होना चाहिए, मिले किसी से जैसे आराम होना चाहिए। तो जहाँ से हम अंदर घुसे थे वही एग्जिट पॉइंट, यहाँ से ये अंदर आए थे हम, और वहीं से हमको बाहर जाना है, और लेफ्ट साइड में जाओगे तो ऊपर ऊपर वाला आयु मिल जाएगा, जो कि हमने वहाँ से लेफ्ट लिया था, अब हमको दोबारा लेफ्ट लेना है, तो वो सामने आई हुए, चलते चलते हैं उस पर, जा चुके हैं हम हाईवे पर, और ये देख सकते हो आप ये लेफ्ट वाला हाईवे, और भी बनना चौड़ा हो रहा है हाईवे, जिससे यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम ना हो आने जाने के लिए। ये दुकान सामान लिया हमने, ये ब्रश वगैरह हम लेके आए थे, और ये कैंपिंग के लिए महंगी बनाने के लिए, महंगी तो है बस, लेकिन हम ये लेके आए फ्लाइवल, और हमने ये भी ले लिया यहीं से ही, सिर्फ बाहर से ले लेंगे, और शक्कर लिए 250 ग्राम 2 रुपये की, जो कि ये रखते हैं इसको, और फिर देखते हैं और कुछ रह गया तो वो भी चेक करते हैं, वो भी लेते हैं, इसको सामान रखते हैं पहले इसको डिग्गी में। अभी हम नेपाल बॉर्डर से 50 से 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर रह गया अभी, और देखते हैं अभी कैसा चेक इन होता है, अभी 8 बजे नहीं, अभी टाइम हुआ 8 बजे अभी, तो अभी 1-2 घंटे तक बॉर्डर चेक इन में, देखते हैं अभी पहुंच जाते हैं तो अभी चेक इन कर लेंगे, मतलब एंट्री कर लेंगे, तो जैसे अभी तो देखते हैं अभी यहाँ से। अब तो रोड अच्छी मिल गई है, पहले जो स्टार्टिंग थोड़ी बहुत रोड थी कम 40 किलोमीटर की, रोड बहुत बेकार थी, बीच में पैसेज मिल रहे थे खराब, यहाँ तो लेकिन अच्छी रोड है, लेकिन सिंगल रोड है, रोड तो एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं रोड में, बस सिंगल रोड है, बाकी गाड़ी आप देख सकते हो गोरा जा रहा है सामने, कोई दिक्कत नहीं है रोड पे, और देखते हैं सही होता है फिर बताते हैं आपको भी। गाइस अगर आपको यहाँ पर नॉनवेज खाना है तो वो तो मिल जाएगा आपको, लेकिन वेज है और टाइम हो गया है तो मिली वेज तो मिल ही नहीं रहा, जो फास्ट फूड है ओनली वही मिल रहा है, और भैया ने पूछे थे हमने उनसे, वो बता रहे थे आगे चले जाओ 20 किलोमीटर वहाँ आपको सब मिल जाएगा, और चलिए चलिए 20 से अभी 10 बजे तो खुलता है वहाँ, तो खैर वहाँ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ पर, वो बॉर्डर के रास्ते में ही है, और यहाँ पर हम बॉर्डर भी खा लेंगे, अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ से कहाँ तक का होता है। बॉर्डर में तो एंट्री होती नहीं है, 8 बजे बंद हो जाती है बॉर्डर में एंट्री, सुनी भैया बता रहे थे, अब उनको यहाँ पर जाते हैं तो उनको पता है उनको, तो और सुबह 8 बजे खुलता है बॉर्डर, तो देखते हैं कैसा जो भी होता है कुछ करते हैं, चलते हैं पहले यहाँ से, तो और बाकी गाड़ी में पेट्रोल फिल करानी है बॉर्डर से पहले करा लेंगे, क्योंकि बॉर्डर में उधर पेट्रोल जाना महंगी है, तो इस चक्कर यहीं से फिल कराएंगे पेट्रोल अपने। अब तो गाइस यहाँ पर ये डाम रेस्टोरेंट मिला था हमको, तो हमने गाड़ी रोक दी यहाँ पर, और भाई मिले हमें, भाई बोल रहे थे ब्लॉग में, लो भाई बोलिए आप कहाँ से हो वैसे? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल में कौन सी जगह? नेपाल बुटोल से। भूटान से? बुटोल। बुटोल ठीक है भाई, अच्छा लगा मिलकर आपसे, मुझे एकदम अच्छा लगा, बस बात का फैन हो गया अभी तो, थैंक यू। तो गाइस अभी रुके यहाँ पर ढाबे पे, बताया था तो यहाँ पे खाना है 150 रुपये का, पर मतलब फुल प्लेट जितना भी खाओ आपके पेट में इतनी जगह 150 रुपये में, तो ठीक है देखते हैं खाते हैं, और मटर पनीर जो भी है दिखाते हैं आपको जैसा भी है, और फिर टोकन लेते पहले वहाँ से फिर खाते हैं, उसके बाद चलिए फिर चेक करते हैं कैसा क्या है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हो मटर पनीर और सूखी सब्जी है, आलू और पनीर से हमें आलू है, और ये दाल और खाते हैं पापड़ वगैरह आ गया है, तो भी चावल भी आएंगे थोड़ी देर से, जो चावल बाद में आएंगे पहले ये खा लेते हैं, क्योंकि प्लेट में उतनी जगह इस चक्कर में बाद में देंगे चावल, वो तो पहले ये मटर खत्म करते हैं, इसको भूख लग रही है वजूद से। खाना खा लिया हमने, ड्राइकर उठाते हैं चलते हैं यहाँ से, और देखते हैं यहाँ से 25-15-20 किलोमीटर रह गया है बॉर्डर, खाना तो टेस्टी था, लेकिन यहाँ का जो खाना है उसमें जो हमारे लिए 150 रुपये, और जो बस वाले आ रहे थे उनको 250 रुपये हैं, और नॉनवेज था उसमें खाने के लिए 200 रुपये अपने लिए, मतलब जो नॉर्मल आते हैं, और बस वाले के लिए 300 रुपये, तो भाई देखो बस वाले लूटे जा रहे हैं यहाँ पर। और नॉनवेज में आपको चिकन 2-3 पीस मिले, 3 पीस 2 चिकन के मिलेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, यहाँ तर भरपेट खाना है, और शायद से बाद चिकन बाद में मिल जाए, हमने पूछी नहीं, लेकिन भैया से पूछे थे वो बता रहे थे 2-3 पीस तो आपको मिलेंगे चिकन के पहले, तो
वो पता नहीं है कुछ कैसा सिस्टम है, कुछ जैसा भी है ठीक है। अपन खाना चला, खाना एक नंबर था, खाने में कोई कमी नहीं है। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ये खाटू श्याम जी का कोई ट्रस्ट है, तो वहां पर आ गए हम, क्योंकि आपसे में वहां से तो हो गया था स्कैम, क्योंकि हमें पता नहीं था बॉर्डर पे रूम वगैरह नहीं मिलते, और वहाँ के लोग कुछ खराब हमें बता रहे थे भैया, जैसे कि भैया मिले थे हमको रास्ते में, एक तो उन्होंने हमको एक दो जगह ले गए पहले, वो एक उनका पास में था उनके, तो वहाँ पर उन्होंने दिखाया वो साथ में कार से, देखो वो साथ में वो आगे चले गए, हम बोल हम उनसे बोलती थी आप पीछे भी चलो मैं बता देता हूँ आपको, तो वहाँ पे ले गए थे, वहाँ पर उन्होंने दिखाया, तो वहाँ पर उन्होंने गेट में खोला था, फिर उसके बाद हम मंदिर गए थे, मंदिर में भी ताला लगा हुआ था तो वहाँ पे बंद था, फिर उसके बाद उन्होंने किसी से पूछी तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर डोरमेट्री वगैरह मिलती है, मतलब रूम वगैरह मिलते हैं, तो किस प्रकार से रूम मिला हमको दे सकते हो आप, ये रूम कुछ इस प्रकार का सब कुछ इसमें, और काफ़ी सही है, उधर भी थे उधर एसी वाले हैं तो उसमें 1000 रुपये है, और इसमें नॉन एसी है तो 750 रुपये, सॉरी 700 रुपये ओनली, लेकिन एसी वाली जरूरत तो है नहीं फिलहाल में, हमने उनसे बोली थी हम टेंट ही लगा लेते कोई बात है, लेकिन वो मना कर रहे थे हमें किसी परमिशन दे दूँ क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी तो कोई है नहीं है, तो ठीक है फिर हमने रूम ही ले लिया 700 रुपये को ज्यादा नहीं है दो जाने के लिए हिसाब से, और सुबह आराम से 8-9 बजे जाएंगे आराम से, अब हम गियर भी लगा हुआ नाने वगैरह के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली हमको यहाँ पर, बाकी थक जाना गए हैं क्योंकि गाड़ी चला चला के, और बाकी मंदिर में काफी टाइम लगा था दर्शन करने में, इस चक्कर में यहाँ तक गए हैं, गाइस यहाँ से 7 किलोमीटर की दूर पर ये बॉर्डर है, तो सुबह जाएंगे आराम से, तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी देखते हैं ये वीडियो कितनी लंबी है हिसाब से, कल देखते हैं कल मॉर्निंग से डालना है डालना, तो वो हिसाब से ब्लॉग बनाएंगे, तो इस वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।